हेलो स्टूडेंट्स, अपनों ने कहां तक कर लिया? लास्ट लेक्चर अपना कहां तक? सेवन प्रश्न आपने कंप्लीट हो गई थी, जिसमें आपका क्या था? घन और घनमूल। उसके बाद आपके देखो प्रश्नावली क्या है, राष्ट्र की तुलना करनी है। तुलना का मतलब इंग्लिश में कहते हैं क्या? कंपैरिजन करना, मतलब कह देते हैं कौन सा किससे ज्यादा है या कम है। इसको भी इससे अनुपात से भी डिनोट कर देते हैं। या जैसे कह दो कि जो रमेश है और ये श्याम है। रमेश 4 साल का है, ये 6 साल का है। इसकी तुलना करें तो अगर देखें तो कितने साल बड़ा है कौन? श्याम कितने साल बड़ा है? 2 साल। जब भी इनके कंपैरिजन करते हैं तो अनुपात में लिखते हैं, यानी भाग में 2 × 4, 2 × 3, 6। अनुपात देखें क्या हो जाएगा इसका, 2 × 3 हो जाएगा। कंपैरिजन किया तो इस हिसाब से कंपैरिजन हो जाएगा। फिर आपके इसमें परसेंट अपने बोल देते हैं, हर बार में क्या बोलती है? 100% ये सही है। अपने बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, आपने बहुत जनों को देखा होगा क्या बोलते हैं, 100% ये एक्यूरेट है। 100% यानी जब भी कोई परसेंट की बात आती है तो परसेंट किससे निकलता है? 100 से ही निकलता है, यानी नॉर्मल सी बात। 66 नंबर, ये अपने बोलते हैं कि कोई 100 नंबर का पेपर है, जब 100 नंबर का पेपर है तो अपने को कितने परसेंट चाहिए? पासिंग मार्क्स 36% है। कितने परसेंट है? 36% है। तो अपने को देखना है कि अपने कितने मार्क्स आए हैं, मतलब अपने को 100 में से कितने नंबर लाने होंगे कि अपने क्या बन जाए 36%। परसेंट है तो बटे में क्या करेंगे, परसेंट हटाया बटे में 100 × 100, 100 से 100 गया, बचा कितना? 36। यानी अगर आप 100 में से 36 नंबर लाओगे तो कितना बनेगा? 36%। जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसी प्रकार अपने देखें आपका पहला क्वेश्चन क्या रहता है। आपके क्वेश्चन है, पहली आर्गुमेंट 1 है, उसमें सबसे पहले देखें तो क्या कहता है कि अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है अनुपात ज्ञात करना है, क्वेश्चन दिए अनुपात ज्ञात करना है। एक बात याद रखना हमेशा, जब भी अनुपात ज्ञात करना हो, दो संख्याएं जो भी दी हैं उनमें जब भी अनुपात ज्ञात करोगे तो कैसे, दोनों का मात्रा क्या होनी चाहिए? एक मात्रक क्या होनी चाहिए, यानी इकाई क्या होनी चाहिए? एक कहने का मतलब ये 5 रुपए है और मैं बोल दू ये 5 रुपए है, इधर 100 पैसे है, इनका क्या करो? अनुपात ज्ञात करो। तो क्या करोगे? 5 × 100, ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 5 रुपए है, ये 100 पैसे। या तो पैसे को क्या करो, रुपए में कन्वर्ट करो, या रुपए को पैसे में, मतलब दोनों में से किसी को भी एक में कन्वर्ट करना होगा। दोनों एक जैसे मात्रक होने चाहिए, यानी इकाई दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। जैसे 5 रुपए है, 100 पैसे, 100 पैसे, 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं अपने को पता है? 1 रुपया होता है। अब इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी 5 अनुपात क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। यहाँ क्या करते हैं, 500 है, सॉरी 5 रुपए है, ये 100 पैसे है, इसको क्या करेंगे? पैसे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पैसों में कन्वर्ट किया, ये 5 रुपए है, अपने को पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। जैसे गुणा किया 5 का 100 से कितना आ गया? 500 पैसे। ये 500 पैसे आ गया, ये कितना आ गया? 100 पैसे। ये भी पैसे है, ये भी पैसे है, अब क्या निकलेगा? अनुपात निकल जाएगा 500 अनुपात 100। 2 जीरो से क्या हो जाएगी? 2 जीरो कट जाएगी, यानी 5 अनुपात 1। कैसे भी करो आंसर 1 आएगा, पर लेकिन अनुपात जब भी निकालोगे दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए आपके पास? बराबर होनी चाहिए। अपने पहला क्वेश्चन देखें, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या प्रोसेस चाल बोल दो या गति, यानी इसकी स्पीड है 1 घंटे में कितनी? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति इसका। एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या ज्ञात करना है आपको? अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे? पहले देखो कि जो दी हुई है कितनी दी हुई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी क्या दिया होगा आपका? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों सेम है, इकाई क्या सेम, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, वही किलोमीटर प्रति घंटे में, क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है किसका? साइकिल से स्कूटर। तो क्या लिखेंगे अनुपात कितना हो जाएगा? 15
15:30 यानी 15 एकम काटेंगे भाग में होता है स्तंभ यही होता है कि बटे में है, ठीक है, अनुपात का मतलब बटे में है। 15 एकम 15 × 15 = 30 एक अनुपात क्या आ गया 2, यानी ये 1 किलोमीटर चलेगी तो ये 2 किलोमीटर। यही बात है, इसकी स्पीड कितनी है, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अनुपात क्या जाएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 मीटर का 10 किलो। सेकंड क्वेश्चन है 5 मीटर या किसमें 10 किलोमीटर से मीटर में, अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करती है, गुणा किससे 1000 से। अपने जानते हैं कि क्या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 क्या होते हैं मीटर होते हैं। तो देखो, और 5 मीटर में अगर मीटर को 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000 किलोमीटर। मोस्टली क्या होता है, गुना करना इजी रहता है, इसलिए करेंगे गुना 5, 10 किलोमीटर को जैसे चेंज करोगे मीटर में तो किससे गुणा कर दोगे 10000 × 10, कितना आ जाएगा 10000 मीटर। ये भी मीटर में चेंज हो गया, ये भी मीटर में चेंज। अब क्या करना है, अनुपात पहले क्या है 5, तो पहले वाला लिखेंगे 5, फिर क्या है 10000, तो लिख दो 10000, जो कटता है वो काट दो। किसके बारे से कटेगा, देखो ये क्या है 5, कहने का मतलब 5 खुद के बारे में जाता है तो 5 के बारे से कटेगा, इसको भाग करके देख लेंगे 5 के बारे से जा रहा है या नहीं। करो कितने पे जाएगा 5 × 10, बाकी 3 जीरो, यानी कितना आ जाएगा 2000। तो अनुपात क्या बन गया आपका 1:2000, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कहते हैं 50 पैसे का 5 रुपए से, क्या है 50 पैसे का 5 रुपए से क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। सेम कंडीशन, पैसे ये 5 रुपए, या तो क्या करो पैसे को रुपए में चेंज कर लो या रुपए को पैसे में। अगर देखें 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अगर 1 पैसे में रुपए देखे तो कितने होते हैं 1/100 रुपए। तो क्या कर रही हूँ मैं, 5 रुपए को किसमें चेंज कर रही हूँ, पैसे में कर रही हूँ, तो 5 गुणा में कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो गया 500 पैसे। जिसमें चेंज किया वो क्या है सेकंड नंबर में 50 पैसे, यानी 50 पहले आ जाएगा और पैसे किसने कितने 500, तो कर दो 500। अब क्या करो, 0 से 0 कट हो रहा है, फिर ये किसमें पार से आ रहा 5 के 5 एकम 5 और 0, यानी 1:10, ये कितना आ गया 1:10। इसी वगैरह अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्या है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। अब क्या जो करना है आपको, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। परसेंटेज जो अपने बोलते हैं 100%, वही वाला ये परसेंटेज है, देखते हैं कैसे बदलना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलो, अनुपातों को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। तो पहले आपका जो क्वेश्चन है 3:1 क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसको क्या करना है आपको प्रतिशत में बदलना है, यानी क्या मान लो 4 में से कितने नंबर आए हैं 3, कितने में से 4 में से कितने नंबर आए 3, परसेंटेज के लिए किससे 100 से, जो कट रहा है उसे क्या करेंगे काट देंगे, काटो 4 के बारे से देखोगे तो 25 का कितना होता है 100, जैसे करेंगे 25 × 75 कितना आंसर आ गया 75। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही देखा तो क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन दिया है 2:3, कितना दिया है 2:3, तो कैसे करेंगे 3/2 × क्या 100, अपने को पता है ग्रीन के टेबल में कटता है नहीं कटता, यानी क्या आएगा पॉइंटों में या बटे में आएगा, तो कर दो पहले से गुना कर दो 2 का 100 से कितना आ गया 200/3। अब इसमें भाग दो कितना आएगा, करें भाग कितने में जाएगा 6 में 3
छिके 18, 10 में 6 गया 18 8 है ना, 10 में से 8 गया कितना जाएगा 2, फिर ऊपर से उतारा 0, फिर कितना 3 छिके 18 कितना आ गया 2/3। आंसर क्या आ जाएगा 66 सही, 2/3% कितने परसेंट बने 66 सही, 2/3% आपके बने हैं। इसी प्रकार ये 75%। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो पूरा परसेंटेज पे है, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो आपका क्या है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी क्या रखते हैं गणित में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड है मैथ में, बाकी कहते हैं कितने परसेंट विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। बिल्कुल ये जीवन अगर ये पूछता कितने विद्यार्थी है जो गणित में रुचि नहीं रखते तो थोड़ा सा अपने को करना पड़ता, पर इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कितने विद्यार्थी है जो गणित में रुचि नहीं रखते। अपने को पता है अपने हमेशा परसेंटेज कितने में से निकालते हैं, 100 में से, तो अपने लिख सकते हैं कुल विद्यार्थी कितनी हो जाएगी 100% होती है, या मत लिखो ठीक है। तो इन्होंने पूछा क्या गणित में रुचि कितने रखते हैं, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं 72%। अब जब अपने को पता है कि टोटल 100 है, अगर मैं आपको बोल दूं आपकी क्लास में 25 बच्चे टोटल है ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं 25 है, जिसमें से आए किसने हैं यानी परसेंट कितने हैं 20 है, तो परसेंट कितने होंगे, तो मैंने को पता है 25 में से 20 या कितने बच गए 5 बच्चे जो है आज नहीं आए। सेम कंडीशन यही है कि मैं आपको बोल रही हूँ मेरे को पता है कि कितने परसेंट आए, जो टोटल विद्यार्थी है वो कितने हैं क्लास में 100% बच्चे हैं जिनमें, और कितने विद्यार्थी जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मैथ में वो निकालना, अपने को पता है इंटरेस्ट कितने को है 72 का है, तो क्या कहते हैं टोटल में से जितने को इंटरेस्ट है उसमें माइनस कर दें क्या आ जाएगा जिनको इंटरेस्ट नहीं है, तो लिख देंगे विद्यार्थी जो गणित में रुचि नहीं रखते, क्या करोगे 100 - 72 कर दो कितना आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, यानी 28% बच्चे हैं जिन्हें क्या मैथ में रुचि नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि 25 विद्यार्थी कितने विद्यार्थी ऐसे जिसने मैथ में रुचि नहीं है तो कितने आए हैं परसेंटेज में कितने हैं 28, तो क्या करोगे 25 का क्या करोगे 28% निकाल दोगे, निकाल ले चलो देख लेते हैं 25 × 28/100 काटेंगे किसके बाड़े से 25 के बाड़े से कट जाएगा 25 से कम 25 25 × 100 4×7 = 28, यानी अगर आपसे पूछे कि कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 7 विद्यार्थी ऐसे हैं। परसेंटेज में देखें 28% बन रहा है, लेकिन संख्या में देखें तो कितने हैं 7 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ, कोई ऐसे बोल देगा, या आप बोल रहे हो कि क्लास में कितने बच्चे हैं 25 बच्चे हैं जिनमें से क्या है 7 बच्चे ऐसे हैं जो आए नहीं है, 25 है जिसमें 7 नहीं आए, मैं क्या बोल सकती हूँ 25 बच्चे टोटल है जिसमें से कितना 28% बच्चों का नहीं आया 72% बच्चों का आया। अगर अपने देखना चाहे कितने परसेंट इंटरेस्टेड है तो क्या करोगे, अपने को पता है परसेंटेज कितना है 72% है, या तो क्या करो 25 में 7 घटा दो संख्या आ जाएगी, वरना क्या करो 25 का 72% निकाल के देख लो, जैसे आप 25 का 72% निकालोगे तो क्या करेंगे 25 × 72/100 करेंगे 25 × 25 = 100। अब इसको काटे तो क्या जाएगा, काटो यानी भाग दो कितने बचाएगा 4 × 4 7 × 4 = 3 2 4 × 8 = 32 यानी 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें क्या है मैथ में इंटरेस्ट है, 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है, 25 में 7 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा आपके पास 18 आएगा ठीक है। आपका क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक ही था 28%, ये आपके क्वेश्चन आगे आएंगे जो परसेंट
100 डायरेक्ट निकालना है 25 का 28%। या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार से है, थोड़ा सा इसलिए आपको पहले समझा दिया, बाकी अपने क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए यही है, 2-3 क्वेश्चन आप इसको क्या करना रिपीट कर लेना। ओके 1 मिनट की।